हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम इनकम टैक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए फॉर दिसंबर 2019। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। देखिए, ये जो आपकी यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 10, इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B द एसएससी शुड एक्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी पर्सन है उसको एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 54B कौन सी चीज एक्वायर करनी होगी। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एनी एग्रीकल्चर लैंड एंड नन ऑफ द अबव। सो देखिए, बेसिकली 54B सेक्शन क्या कहता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, अगर मान लीजिए कोई भी एग्रीकल्चर लैंड आपके पास है, तो अगर आप उसको सेल करते हैं तो सेल करने से आपके पास क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन, तो ये कैपिटल गेन अगर आपको होता है तो आपको पता होगा कि कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देना होता है। बट अगर मान लीजिए अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर रहे हैं तो इस पे आप जो कैपिटल गेन आपको हो रहा है इस पे आप टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 54B। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या क्या कंडीशन है उसको हम एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर लैंड की, तो एग्रीकल्चर लैंड आपके दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होगा आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड एंड सेकेंड है आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अब देखिए, जो आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या है और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया गिवन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि बेसिकली कौन से लैंड को रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा और कौन से लैंड को अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। बट यहाँ पे हमको उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमको ये डिस्कस करना है कि 54B की एग्जम्पशन कैसे आप क्लेम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड सेल कर रहे हैं और उस पर आपको कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है तो इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। बट अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल कर रहे हैं तो उस पर आपको जो भी कैपिटल गेन हो रहा है इस पर आपको टैक्स देना होता है। बट अंडर सेक्शन 54B आप यहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, देखिए इसके कुछ कंडीशंस हैं। अगर मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर लैंड को सेल किया है इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में, तो बेसिकली यहाँ पे अर्बन एरिया के अंदर अगर आप एग्रीकल्चर लैंड सेल कर रहे हैं तो इस पे आपको जो कैपिटल गेन होगा इस पे आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 54B अगर आप सर्टेन कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। और वो कंडीशन क्या क्या है, देखिए सबसे पहली कंडीशन है कि जो 54B की एग्जम्पशन है वो किसको मिलेगी, ओनली इंडिविजुअल एंड HUF। तो ये केवल इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही मिलती है। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो भी एग्रीकल्चर लैंड आप सेल कर रहे हैं जिस डेट पे वो सेलिंग हो रही है उससे इमिडिएटली प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, उससे पिछले 2 सालों तक आपने उस पर एग्रीकल्चर का काम किया होना चाहिए। अगर आपने उस पर एग्रीकल्चर नहीं किया है, अगर आपने उसको कमर्शियली यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे आप उस पर एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, द एग्रीकल्चर लैंड, आप साथ में नोट डाउन भी करते जाइए, शुड बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं कोई भी एग्रीकल्चर लैंड तो उसके पिछले 2 सालों तक आपने उस पर एग्रीकल्चर का काम किया होना चाहिए। और थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या कहती है, विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर
the taxpayer should acquire another agricultural land. इसका क्या मतलब है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने से आपको कोई भी कैपिटल गेन हुआ है इन द अर्बन एरिया, ओके, तो यहां पे आप उस पर टैक्स क्लेम तभी कर सकते हैं अगर आपने विद इन टू इयर्स कोई भी अदर एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर लिया है, ओके, तो यहां पे कोई भी एग्रीकल्चर लैंड आप परचेज कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B द एसएससी शुड एक्वायर, तो यहां पे 54B की एग्जम्पशन लेने के लिए एसएससी को क्या एक्वायर करना होगा, तो यहां पे कोई भी एग्रीकल्चर लैंड अगर एसएससी परचेज कर लेता है विद इन 2 इयर्स तो यहां पे वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 54B। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, आप कंडीशंस को नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आप इसको रिवाइज कर पाए। देखिए ये 3 मेन कंडीशंस है इसके अंदर, ओके। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर रहे हैं और उस पे आपको कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है तो यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, ओके। और ये रूरल और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड डिसाइड कैसे की जाती है, देखिए ये इनकम टैक्स के अंदर कंडीशंस कुछ गिवन है कि आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो म्युनिसिपल एरिया के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये कुछ कंडीशंस है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, बट आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप 54B की एग्जम्पशन कैसे क्लेम कर सकते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, अंडर द कैपिटल गेन हेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर इज, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आप कोई भी हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल कर रहे हैं और उस पर आपको कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको उस पर कितना टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे कोई भी हाउस होल्ड फर्नीचर है, फर्नीचर इज फॉर पर्सनल यूज, एंड इट इज ऑल्सो आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट, तो ये बेसिकली कैपिटल असेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है, ओके, इट इज आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। तो बेसिकली अगर कोई भी चीज कैपिटल असेट की डेफिनेशन के आउटसाइड है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगाया जा सकता, तो ये क्या होगी आपकी एग्जम्प्टेड इनकम होगी, ओके। अगर आप कोई भी हाउस होल्ड फर्नीचर सेल कर रहे हैं और उस पर आपको कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ पर्पस, तो बेसिकली अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका डेप्रिसिएशन अगर कम्प्लीटली चार्ज नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे आप उसको कितने ईयर्स के लिए कैरीड फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर सेट ऑफ पर्पस सो दैट आप उसको सेट ऑफ कर पाए। सो देखिए अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका, अनयूटिलाइज्ड डेप्रिसिएशन, दैट इज आप डेप्रिसिएशन को कम्प्लीटली चार्ज नहीं कर पा रहे हैं इन करंट फाइनेंशियल ईयर, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर अनस्पेसिफाइड पीरियड, ओके। तो यहाँ पे आप जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसको आप जितने ईयर्स तक चाहें उतने ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर सेट ऑफ, सेट ऑफ करने के लिए आप उसको अनस्पेसिफाइड पीरियड तक के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज अवेलेबल विदाउट एनी लिमिट बट एट द रेट ऑफ 50%, तो ये बेसिकली आपको 50% की डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80G, तो ये कौन कौन सी डोनेशंस पे आपको मिलती है। देखिए अगर हम बात करें 80G की तो यहाँ पे सर्टेन डोनेशंस करने पे आपको इधर 50% और 100% तक की डिडक्शन मिल जाती है, तो कुछ डोनेशंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको 50% डिडक्शन मिलती है और कुछ डोनेशंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली एक चीज याद रखनी है, अगर हम बात करें 50% की तो इसके अंदर 4 चीज आती हैं। सबसे पहला है आपका प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, सेकेंड है आपका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, थर्ड है आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट,
एंड फोर्थ है आपका राजीव गांधी फाउंडेशन। तो यहां पे बेसिकली अगर आप इन चारों फंड्स के अंदर डोनेशन दे रहे हैं तो यहां पे आप एलिजिबल हैं 50% डिडक्शन के लिए। ओके, तो देखिए यहां पे आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, बट यहां पे आपके पास क्या है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज इनकरेक्ट, बी है आपका नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, ये भी आपका नहीं है, सी आपका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, तो ये आपका 50% के अंदर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, डी है आपका चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, दैट इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी इज, तो अगर कोई भी इंडियन कंपनी डिविडेंड पे करती है तो ये एग्जम्प्ट होता है इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ कंपनी एंड एग्जम्प्ट इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट, दैट इज कंपनी ऑलरेडी उस पर टैक्स पे कर चुकी है। ओके, और जो इंडिविजुअल है या रिसिपिएंट है उसको उस पर टैक्स नहीं पे करना है। क्यों नहीं पे करना है, बिकॉज कंपनी जब भी डिविडेंड पे करती है तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसको पे किया जाता है टू द शेयर होल्डर्स। तो अगर उस पर टैक्स ऑलरेडी पे कर चुकी है कंपनी तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन ना हो, इसलिए कोई भी इंडिविजुअल है अगर उसको डिविडेंड रिसीव हुआ है किसी इंडियन कंपनी से तो वो एग्जम्प्ट होता है इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। सेकेंड थिंग, ये एक सर्टेन लिमिट तक एग्जम्प्ट है, तो इसकी लिमिट क्या है, तो इस लिमिट के बारे में हमें बताइए आप कमेंट के अंदर कि कितने लिमिट तक डिविडेंड अगर कोई भी इंडियन कंपनी दे रही है तो वो एग्जम्प्ट है इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको किसी भी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो टैक्सेबल होता है इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट। ओके, आप यहाँ पे कमेंट में करके बताइए कि अगर आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो किस लिमिट तक एग्जम्प्ट है। ओके, सो दैट्स ऑल, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ अगर आपको हमारे कोर्सेज परचेज करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे गिवन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। देखिए अभी एक मंथ का टाइम ही बचा है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप हमारे क्रैश कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, क्रैश कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।